महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर शिवसेना के नाम और निशाने मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने शिवसेना के चुनाव चिन्ह का जिक्र करते हुए कहा, हमारा धनुष चोरी हो गया है, लेकिन मानुष हमारे साथ है। ठाकरे ने अपने समर्थकों से अपील की कि वे चुनाव की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि उनके विरोधी कभी भी चुनाव करा सकते हैं। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने अपने समर्थकों से कहा, जिस तरह से धनुष बांध लिया है वह मशाल भी ले जाने की कोशिश करेंगे। जनता से आह्वान करते हुए ठाकरे ने कहा कि मशाल चुनाव चिन्ह पर लड़ने की हिम्मत दिखानी होगी। शिवसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के खिलाफ एक बार फिर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा, जो अब तक नहीं हुआ वो प्रधानमंत्री के गुलाम चुनाव आयोग ने किया है। इसी के साथ उन्होंने चेतावनी दी कि शिव सैनिकों ने धैर्य रखा, अब उसका अंत मत खो देखो। बता दें कि 17 फरवरी को चुनाव आयोग ने आरसे से लंबित शिवसेना के नाम निशान पर अधिकार वाले मामले में फैसला एकनाथ शिंदे गुट के हक में सुनाया। इसका मतलब है कि असली शिवसेना उसका चुनाव चिन्ह धनुष बाण अब शिंदे गुट का हो गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि वे चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चुनाव आयोग ने शिवसेना की कमान एकनाथ शिंदे को सौंप दी है। एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह मिल गया है। इसके बाद अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या शिवसेना भवन पर भी शिंदे गुट दावा ठोकेगा। मुंबई के दादर में सेना भवन का स्वामित्व शिवई ट्रस्ट के पास है, जिसे ठाकरे परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये पार्टी के नाम पर नहीं है। इससे पहले भी उद्धव ठाकरे ने कहा था कि शिंदे गुट के पास शिवसेना भवन पर दावा करने का कोई मौका नहीं है। शिवसेना भवन की स्थापना 1974 में हुई थी। बाल ठाकरे द्वारा शिवसेना की स्थापना के लगभग 8 साल बाद सेना भवन की स्थापना हुई थी। इस बीच शिंदे गुट, जिसे अब असली शिवसेना के रूप में जाना जाएगा, उसने भी स्पष्ट किया कि वे सेना भवन पर दावा नहीं करेंगे। शिंदे गुट के एक नेता ने कहा कि जब शिवसेना भवन और शिवसेना शाखाओं पर दावा करने की बात आती है तो इसमें कानूनी पेच होते हैं। भवन ट्रस्ट का है न कि पार्टी का, इसलिए हम इस पर दावा नहीं करेंगे। हालांकि शाखाएं अलग अलग लोगों के स्वामित्व में हैं, जबकि कुछ शाखाएं पार्टी के नाम पर हैं, कुछ अन्य शिवसेना नेताओं के नाम पर है। कोई भी कदम उठाने से पहले इन सभी पर विचार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसकर ने शिवसेना भवन पर दावे की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर कहा कि हम किसी को परेशान करना नहीं चाहते। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।